Officer, did you find any clue to the mystery of Pakistan's submarine, Ghazi? सर, रैकेट के फोटो जिससे ये साफ जाहिर है कि ये विस्फोट सबमरीन के अंदर से हुआ है, बाहर से नहीं। Yes, officer, you're right. Investigation report में भी यही कुछ है। सर, अगर ये रिपोर्ट लीक हो गई तो? Okay. तुम ऐसा करो, सारा रिकॉर्ड जाया कर दो। But sir, what about Indian media? You don't worry. Story वो खुद बना ले। हेलो एंड वेलकम टू द ज़ू न्यूज़। आज के समाचार कल्पनाओं के अनुसार, भारत ने किया बीच समंदर पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी का शिकार। 4 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी हमारी इंडियन सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डबोने के मिशन से आई, उसी समय घात लगाए भारतीय सेना की INS राजपूत ने PNS गाजी पर धावा बोल दिया और 2 डेप चार्जेस समंदर में गिरा दिए। खौफनाक धमाके से PNS गाजी तबाह हो गई। अभी तक के लिए बस इतना ही। मजीद मसाला न्यूज के लिए देखते रहिए ज़ू न्यूज। ओके, तो बाबा सच क्या है? आयत बेटा, 1971 की पाक भारत जंग के ऐसे बहुत से सच अभी भी पोशीदा है। तो फिर बाबा, आज आप मुझे PNS गाजी की ट्रू स्टोरी सुनाए ना। तो ठीक है आयत बेटा, तो फिर सच क्या है सुनो। PNS गाजी 1964 में पाक नेवी में शामिल होने वाली पाकिस्तान की सबसे पहली सबमरीन, जिसने ठीक अगले ही बरस 1965 की पाक भारत जंग में एक कलीदी किरदार अदा किया, जब गाजी आबदोस ने भारतीय समुद्री हदूद में बारूदी सुरंगें बिछाकर भारतीय बेड़े का रास्ता रोका। 6 बरस बाद 1971 की पाक भारत जंग के दौरान गाजी को एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ा। माइंस बिछाने का ये मिशन था विशाखापट्टनम की बंदरगाह के करीब, और इस दफा टारगेट था इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। 14 नवंबर 1971 को गाजी आबदोस कराची की बंदरगाह से निकली। इसमें हमले के 93 लोग सवार थे, जिनके कमांडर थे सफर मोहम्मद खान। सबमरीन गाजी ने कामयाबी के साथ पै दर पै माइंस बिछाकर अपना मिशन मुकम्मल किया, पर अचानक समुंदर में पैदा हो जाने वाली तेज रूह के बायस अपनी ही बिछाई हुई एक बारूदी सुरंग से टकरा गई, और इस तरह अमले के 93 गाजियों ने जामे शहादत नोश किया। 71 की जंग के बाद अमेरिका और रशिया ने इस आपदोस को समंदर से निकालने के लिए भारत को पेशकश की, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। इंडियन एक्सपर्ट्स आपदोस के मुतल्लिक अपनी ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से सेटिस्फाई ना हुए। फिर 2003 में भारत ने 10 डाइवर्स की टीम समंदर में उतारी, जिसने गाजी के ढांचे का जायजा लिया, लेकिन ये टीम भी किसी हद में नतीजे तक ना पहुंच सकी। पाकिस्तान ने बारहा सबूत मांगे, लेकिन भारत कभी अपने ही वजन को साबित ना कर सका। फिर 2010 में भारतीय नेवी ने खुद ही गाजी के मुतल्लिक तमाम इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया। क्यों ज़ाया किया? Nobody knows. PNS गाजी के इन 93 शहीदों ने बहरिया की जंगी तारीख में अपनी बहादुरी और अज़्मो हिम्मत की लाजवाल दास्तान रकम की। कौम इन बहादुर शहीदों की कुर्बानी बरसों याद रखे।